जालंधर के वीर बबरीक चौक के पास सोमरसेट इंटरनेशनल स्कूल के ड्राइवर पर स्कूल की ही टीचर के पति ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। हंगामे के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने स्कूल के प्रबंधकों ड्राइवर के नशे की हालत में होने की बात की और उसे गाड़ी से नीचे उतार कर सड़क के किनारे उठा लिया। वहीं दूसरी ओर पहुंचे स्कूल प्रबंधकों ने बताया कि गाड़ी का ड्राइवर काला सिंगिया रोड से बस चलाकर 120 फुट्टी रोड पर पहुंचा है, तो रास्ते में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर के नशे में होने की वजह से उसका मेडिकल करवाया जाएगा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दे हंगामे को शांत करवाया और मामले की जांच में जुट गए। चलो बच्चों की छुट्टियां आई पर टीचर से 2 घंटे लिए मेरे स्कूल जाते थे, वो लैन आया जदों टीचर बैठ के कुरी एक गड्डी सतनाम कर रही को कभी गड्डी इधर मारे कभी इधर मारे, उन्हें उस टाइम अपने हसबेंड फोन कर दिता कि ड्राइवर गड्डी सही नहीं चला रहा, मैंने लग रहा उन्हें कुछ नशा किया। जिनी देर में वो कुड़ी ने उन्होंने कहा ड्राइवर की गड्डी रोको कि गड्डी सही चला रहे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो मिसबिहेव मैडम का करन लग गया, गला कटन लग गया कि मैं ड्राइवर हाँ तू ड्राइवर की चुप गड्डी जा रही है, वो बदतमीजी ने कितने इन्नी देर में हसबेंड ने तो गोविंद नगर जी आ गए गड्डी इतने रोक देख सकती तो हम तुम्हें कंडीशन देख सकते ड्राइवर की। उस स्कूल के प्रिंसीपल ने फोन किया गया, वो कहता कि दारू मैं बुला के भेजे ने, दसो जी ड्राइवर तुहाडे स्कूल का बस तुहाडे स्कूल की, जे इदा दे ड्राइवर रखने शुक्र है छुट्टियां जो बच्चे बच्चे हो कोई हादसा हो जाए वह कौन जिम्मेवार है। इस स्कूल के उत्ते मैं मंग करता कि कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल ही बंद होना चाहिए। नहीं नहीं सर ड्रिंक रात एक क्योंकि सवेरे कोई ड्रिंक नहीं कुछ नहीं सौंपे थे काला सिंह तो बस चल के इतने 120 फुट रोड आ गई है, किसी को टच नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं, थोड़े जो सैड लगे तो उन्हें प्रॉपर गाड़ी सैड कर ली। जिन्हें देर से टीचर के घर वाले ने फोन किया नहीं उन्हों का यह कहना था मेरी वाइफ का फोन आया मैंने गलत मैंने बोलिया गया नशे की हालत ही सी कोई ज्यादा ड्राइवर है बस गड्डी चलती नहीं पी झूठ बोलते हुए तो सही बोलते हुए पूरी कार्रवाई होगी जे गलती है पूरी कार्रवाई करूंगा तब तक नहीं बर्खास्त करूंगा जब तक मैं पूरी रिपोर्ट नहीं ले ली तब तक बर्खास्त नहीं करा पूरी रिपोर्ट लेकर मैं बर्खास्त कर दूंगा। स्कूल है समर सिटी इंटरनेशनल स्कूल जिहड़ा हैगा बस ड्राइवर से जिहड़ा असी ट्रैफिक वाले ने राउंडअप किया, राउंडअप करके 5 नंबर थाना जो उन्हें हवाले किया, उन्हें मेडिकल वगैरह करवा के जो भी कानूनी कार्रवाई है उसे की जाएगी। सर की हूँ तक क्या मेडिकल होया उस अजे हॉस्पिटल लैके गए हुए हैं जो मेडिकल का वेट कर रहे हैं जो भी मेडिकल होंगे जो भी उसके बाद नैक्सट कार्रवाई की जाएगी। तो सर देखा जाता है इदा ही कई स्कूलों के बच्चे एक्सीडेंट होने तो हादसे तो बचते हैं कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल की बसा के बच्चे जो नशा करके चल रहा है क्या इसके बारे होर भी स्कूलों वाले तीन मैसेज बिल्कुल मेरे वालों यही मैसेज है जो स्कूल के जो अथॉरिटीज ने प्रिंसीपल ने भी अपने जो वैसे साढ़े वालों भी जो एक ट्रैफिक विंग आ एजुकेशन विंग आ बकायदा जाके अवेयर करता स्कूलों भी सैमीनार लगे लाए जाते हैं कि जेडे ड्राइवर ने बिल्कुल दारू पी के या किसी भी तरह का किसी प्रकार का कोई नशा या सेवन ना कर बकायदा इन्हों की यूनीफॉर्म होंगी है ठीक है इन्ह के रूल ने बसों के पिछले नंबर लिखे ने जे किसी नूं लोकां नूं भी कोई इदां दा लगता है ड्राइवर भी किसी ने नशा किया होया बकायदा उस नंबर पर भी कॉल करेंगे साढ़े कंट्रोल रूम से आकर सानूं दसन तो बकायदा असीं प्रॉपर कार्रवाई भी करांगे। तो हुण मेरे वालों जिहड़ी लोकां नूं स्कूल के जिहड़े प्रिंसीपल ने अथॉरिटी उन्होंने यह अपील है कि बड़ी मेहरबानी बच्चे जिहड़े ने मतलब बड़ा जीवन जिहड़ा उन्हें लाइफ बड़ी कीमती आ देश का फ्यूचर है उन्हों का मतलब जान माल की रक्षा करना साडा फर्ज आ कि इहो जिहे जिहड़े अंसर ने उन्होंने बिल्कुल भी ड्राइवर ना लाया जाए तो उन्होंने बकायदा मैडिकल चैकअप गाए बराए महीने भर महीना जो भी होंगे वो चैकअप किया जाए कोई नशा किसी प्रकार का कोई नशा तो नहीं करते। जालंधर से ब्यूरो रिपोर्ट युग मार्ग टीवी।